Hi everyone. Welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to discuss PM Cares Fund and PM NRF Fund. PM Cares जो कोविड नाइन्टीन के पीरियड में स्टार्ट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फ़ंड ये आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ था तो so, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पी एम केयर्स फंड का क्या इनिशिएटिव है और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का क्या इनिशिएटिव है अगर इंडिया में ऑलरेडी पी एम एन आर एफ़ है देन वाई वी नीड पी एम केयर्स फ़ंड यू नो अपोजिशंस ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया की गवर्नमेंट को कि हमें ऑलरेडी हमारे पास अगर एक ऑलरेडी फ़ंड है तो दूसरे फ़ंड की ज़रूरत क्या है तो लेट्स टॉक अबाउट पी एम केयर्स एंड पी एम एन आर एफ़ यू नो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस पी एम केयर्स फ़ंड टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक कोरोना वायरस आउटब्रेक के लिए पीएम केयर फंड का अनाउंसमेंट हुई थी और पीएम केयर की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड यू नो इट इज़ ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाई कारपोरेट टू दिस फंड विल बी कंसिडर्ड एज अ सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग अपन द कंपनीज लो एक तो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और दूसरा ये है कि अगर कॉरपोरेट इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो कंपनी लॉस के अकॉर्डिंगली उसका जितनी भी फंडिंग है वो सोशल वेलफेयर में कंसिडर की जाएगी और ये एक एमरजेंसी सिचुएशन फंड है और ये फंड ऐसे आने वाली एमरजेंसी सिचुएशंस को भी कैटर करेगा तो दिस विल आल्सो केटर टू सिमिलर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन इफ दे देस इन द टाइम्स अहेड अब हम बात करते हैं हाउ द फंड विल बी एडमिनिस्टर इस फंड को एडमिनिस्टर कौन करेगा यू नो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द न्यू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है और प्राइम मिनिस्टर के नीचे तीन पर्सन और हैं जो इनके साथ मेंबर हैं एक है डिफेंस मिनिस्टर एक है होम मिनिस्टर और एक है फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर में आएंगे राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर में आएंगे अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर में आएंगे निर्मला सीतारमन तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये तीन पर्सन इनके मेंबर हैं तो बिकॉज ऑफ द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयरपर्सन राज्यसभा अब वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं श्री एम वेंकेश नायडू इन्होंने अपनी मंथली सैलरी का इक्विवेलेंट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फ़ंड में कंट्रीब्यूट किया था और इसमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन का मेन पर्पस क्या है तो ऑब्वियसली टू तो स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट एफर्ट टू तो कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक इन द कंट्री हमें इतना तो पता लग गया कि पी केयर फंड का मेन इनिशिएटिव कोविड नाइन्टीन है और इसके साइड बाई साइड पी एम एन आर एफ़ दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो न्यूज़ में इसलिए आ गया था बिकॉज ऑफ़ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई सेवरल पर्सन अब हम बात करते हैं पी एम एन आर एफ़ और ये किस परपज़ के लिए सेटअप किया गया था यू नो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन द जनवरी नाइनटीन एट इन्होंने तब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ़ फ़ंड को अनाउंस किया था और इसका मेन पर्पस था कि पाकिस्तान से जो पर्सन को डिस्प्लेस हुए द दैब्लिशमेंट विद द पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू असिस्ट पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान पाकिस्तान से वापस भारत इंडिया लाने के लिए देश को पैसों की ज़रूरत है तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1948 के जनवरी में ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड नेचरलीफंडटअप किया था एंड द रिसोर्स ऑफ द पी एन एन पी एम एन आर एफ आर नाउ यूटिलाइज्ड प्राइमरली अब इसका पर्पस तो क्लियर है कि इनिशिएटिव आज भी ये पैसा यूटिलाइज किया जाता है आ नाउ यूटिलाइज प्राइमरली टू तो रेंडर इमीडियट रिलीफ टू तो द किल्ड इन नेचुरल कैलॉमिटीज जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक फ्लड्स साइक्लोन्स अर्थक्वेक्स इसमें जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिलीज को इमीडियट फैमिलीज को ये पैसा कैटर किया जाता है एंड द विक्टीम ऑफ द मेजर एक्सीडेंट्स एंड द रियॉर्ड्स अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए अगर कोई दंगे हो जाए एंड असिस्टेंस फ्राम पी एन एन आर एफ ऑल्सो रेंडेड टू पार्सली डिस्प्ले द एक्सपेंसिज ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट अब इसमें से कुछ पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट परपज़ के लिए भी यूज होता है लाइक हेल्थ हार्ट सर्जरीज किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा अब की फीचर्स क्या हैं यू नो डिसमेंट आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ़ द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स के अप्रूवल पर ही पी एम एन आर एफ का डिस होगा एंड पी एम एन आर एफ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया हुआ है और ये फंड को रिकोगनाइज किया जाता है एज ए ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द सेम इज मैनेज बाय प्राइम मिनिस्टर एंड मल्टीपल डेलीगेट फॉर द नेचुरल कैल नेचुरल कॉजेज एक तो हमने बात की है पी एम केयर्स के पी एम केयर्स का तो प्रॉपरली क्लियर है तीन एक तो प्राइम मिनिस्टर है उसके नीचे तीन मेंबर हैं और सिमिलरली इसके साथ साथ पी एम एन आर एफ एंड PMNRF is not constituted by the parliament and the fund is recognized as a trust under the income tax act and uh, PMNRF is exempted under the income tax and the prime minister is also the chairperson of PMNRF similarly the PM peers, and assisted by officer staff on the on-way basis and the contribution also qualify as a corporate social responsibility for companies making it more attractive to terms of the tax exemption अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाउ द सरप्लस फंड ऑफ पी एम एन आर एफ डिप्लॉय अगर जो पी एम नेशनल रिलीफ फंड में जो पैसा सरप्लस होता है उस पैसे सरप्लस फंड का क्या करते हैं इन जनरल फंड्स आर इधर डिस्बर्स इमिडिएटली जितना भी पैसा होता है जिस फंड में रेडी किया किया जाता है वो तो उसी टाइम डिस्बर्स कर दिया जाता है और दे आर कमिटेड विद स्पेसिफिक पर्पस द बैलेंस ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड अदर एजेंसीज फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या तो फंड का पैसा उसी टाइम डिसबर्स कर दिया जाएगा इमिडियटली अगर वो पैसा इमिडियटली डिस्बर्स नहीं होता तो सेकेंड केस होता है उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक और कुछ ऐसी एजेंसीज में पैसा लगाया जाएगा जिसमें उनका इंटरेस्ट से वो पैसा इंक्रीज हो और लॉन्ग टर्म उस पैसे को हम सस्टेन कर सकें अब टाइप ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड इन द पी एम एन आर एफ यू नो प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड एक्सेप्ट ऑन द वॉलटरली डोनेशन इंडिविजुअल के द्वारा भी और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी तो so, ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरली डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लोइंग आउट ऑफ द बजटरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट और फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर नॉट एक्सेप्टेड जो बजट सोर्सेज है गवर्नमेंट के वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लोइंग आउट ऑफ द बजटरी सोर्सेज एंड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर नॉट एक्सेप्टेड एंड एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़ प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं हमारे देश को कि ऐसे फंड्स में पैसा डोनेट किया जाए ओके okay? तो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा टॉपिक पीएम केयर फंड पीएम केयर फंड और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड अब इस नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि पीएम केयर्स फंड पीएम केयर्स फंड के पे क्या क्या एलिगेशन लग रहे हैं ओके सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो थैंक यू